समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक सवाल के जवाब में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सीधा ऑफर दिया है कि वो अपने 100 विधायकों को लेकर आए, वो उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। अखिलेश के इस ऑफर पर केशव प्रसाद मौर्य ने कड़ा जवाब दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सत्ता से दूर रहने की वजह से अखिलेश तड़प रहे हैं और वो किसी भी तरह सत्ता में वापसी करना चाहते हैं और यही वजह है कि वो इस तरह की उलझुल बातें कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ऑफर दिया केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि अगर वो अपने साथ बीजेपी के 100 विधायकों को लेकर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो ऐसे में वो समाजवादी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री बनाकर सत्ता में लेकर आएंगे। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी पानी से निकलने के बाद मछली को देखते हैं, अपना तड़पती है। श्री अखिलेश यादव जी सत्ता के बिना तड़प रहे हैं। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी हो गई है, वो समाप्त होने जा रही है। उनके 111 में से 100 विधायक स्वयं छोड़ करके सपा भाजपा की ओर आने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी हमें तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारी सरकार मजबूती से चल रही है। पहला कार्यकाल चल गया, वो केशव प्रसाद के समर्थक नहीं है, वो भाजपा के विरोधी हैं, वो पिछड़ों के विरोधी हैं। वो इस प्रकार की बातें करके आपसे सवाल करवा करके मीडिया में चर्चा जरूर पा सकते। वो केशव प्रसाद के हितैषी नहीं है, वो केशव प्रसाद जैसे किसी भी पिछड़े वर्ग के किसी नेता को चाहते ही नहीं है कि कोई बड़ा बन पावे। वह केवल फूट डालो और राज करो। अब उनकी ये मंशा 25 साल कम से कम नहीं पूरी होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।